नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उनका लड़ना तय हो चुका है। पार्टी की जिला इकाई ने उम्मीदवारी के लिए राज्य कार्यकारिणी को कन्हैया का नाम रिकमेंड कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मंजूरी मिलने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भाकपा सूत्रों के अनुसार कन्हैया का बेगूसराय सीट से नाम फाइनल हो चुका है। जिला इकाई को उम्मीद है कि राज्य कार्यकारिणी मार्च के पहले सप्ताह में होने वाले बैठक में उनका नाम को अनुमोदन कर देगी। महागठबंधन में अभी सीट का बंटवारा तय नहीं है। फिलहाल बिहार में भाकपा का राजद, कांग्रेस आदि दलों के साथ महागठबंधन है, लेकिन सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। बेगूसराय सीट यदि भाकपा के खाते में गई तो ठीक, नहीं तो कन्हैया का महागठबंधन से चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। इधर भाकपा सूत्रों की खबर है कि सीट शेयरिंग का मसला सुलझे या न सुलझे, कन्हैया हाल में बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय के अलावा पार्टी तीन अन्य सीटों मोतिहारी, खगड़िया और मधुबनी पर दावा कर रही है। भाकपा नेता डी राजा इन सीटों पर अपना दावा लालू प्रसाद से मिलकर जता चुके हैं। भाकपा के गिरिराज सिंह से हो सकती है कन्हैया कुमार की टक्कर। एनडीए में बिहार की बेगूसराय सीट भाजपा के खाते में थी, जहां से भोला सिंह सांसद रहे। पिछले साल उनका निधन के बाद यह सीट रिक्त है। पिछले दिनों बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि बेगूसराय से बीजेपी भाजपा के कद्दावर नेता और वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह को टिकट दे सकती है। वह अभी नवादा के सांसद हैं, क्योंकि उनका मूल निवास लखीसराय स्थित जिले के बड़िया रहा है, तो बेगूसराय से सटा है, तो ऐसे में वोट की दृष्टि से उनका जाति और राजनीतिक समीकरण भी यहां फिट बैठ रहा है। हालांकि बेगूसराय से उनकी उम्मीदवारी अभी तक तय नहीं हुई है। इधर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लग चुका है। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता उन पर देश द्रोह का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में बेगूसराय सीट यदि गिरिराज सिंह को टिकट दिया जाता है, कन्हैया के साथ उनकी चुनावी टक्कर देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।